नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, हमें फाइनल प्रीव्यू पेज पर सीटेट दिसंबर 2024, यहाँ जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन होगा। और यहाँ पे बात करने वाले पेमेंट रिलेटेड, पेमेंट फेल्ड हो गया है या फिर अपडेट नहीं हो पा रहा है, सक्सेस हो गया, फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो चलिए आज इसका डिस्कस करेंगे और समाधान भी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर हम दिखाएंगे 100% पेमेंट का प्रोसेस विद फाइनल प्रिंट आउट के साथ। तो दोस्तों आ चुके हैं आप डैशबोर्ड पर। जैसे किसी का पेमेंट फेल्ड हो गया है या कट गया है, तो जब भी आप लॉगिन कर रहे हैं तो इस प्रकार से एरर जो है आपके सामने आ रहा है। क्या एरर है कि पेज पेमेंट जो है इनकम्प्लीट है। यहाँ पर इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, कम्प्लीट आना चाहिए। पहली दिक्कत, एडिड एप्लीकेशन पे एग्जामिनेशन फीस भी भाई क्यों आ रहा है, जब फीस कट गई तो फिर क्यों? तो ये हो सकता है सर्वर बिजी हो सकता है ट्रैफिक ज़्यादा हो, या फिर आपने पेमेंट सही से नहीं किया हो, टाइम सेशन आउट हो गया हो, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब भी पेमेंट आपका अपडेट होगा, जब भी आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुल होगा, चाहे वो तुरंत का तुरंत हो या 24 से 48 72 घंटे में हो, लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें। लास्ट डेट एंड ना होने पाए उस समय से पहले ही आप हेल्पलाइन नंबर ईमेल आईडी का यूज़ करें, जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी अपडेट हो जाए। जब भी फॉर्म आपका अपडेट होगा तो यहाँ पर इनकम्प्लीट की बजाय कम्प्लीट होना चाहिए, तीनों स्टेप में कम्प्लीट होना चाहिए। और ये एडिट वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, पे एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, केवल डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का बटन होना चाहिए। ये स्टेप भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि फाइनल प्रिंट का प्रूफ क्या रहता है, वो भी सब आपको देखने वाला होगा। तो चलिए, न्यू कैंडिडेट है तो उनके लिए वीडियो खास होने वाला है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर दिखाने वाले न्यू प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना होगा, प्रोसीड पर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर अगला स्टेप आपके सामने है, कोई भी यूपीआई आपके फोन में चालू है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी है, पेमेंट यहाँ से कर पाएंगे। प्रोसीड पर पेमेंट पर क्लिक करिएगा। अगला स्टेप आपके सामने पेमेंट गेटवे का, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एक क्यूआर कोड है। चूँकि डेबिट कार्ड से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहा था 4 रुपीज़, और नेट बैंकिंग से भी, तो मैंने यहाँ क्यूआर कोड से किया, जो यहाँ पर भी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। देखिए साइड अच्छी चल रही है और बिजी नहीं है, तो आप आराम से पेमेंट कर पाएंगे। अब साइड बिजी हो रही है, ट्रैफिक बिजी हो रहा है, लास्ट टाइम नज़दीक आ रहा है, आप उस टाइम यूपीआई से कर रहे हैं, पेमेंट फंस रहा है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं, समय से पहले करेंगे तो समाधान जरूर होगा। तो चलिए मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं, सामने क्यूआर कोड ओपन होगा, फटाफट उसको स्कैन करेंगे, झट से पेमेंट करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल आपका बन जाता है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन आपके सामने क्यूआर कोड का, फटाफट अपने फ़ोन में कोई भी यूपीआई चालू हो, जो भी यूपीआई चलाते हैं आप, फटाफट उसका स्कैनर चालू करिए, झट से कंप्यूटर स्क्रीन स्कैन करिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग पीसी लैपटॉप पर ही फॉर्म फिल करें भैया, और उसके बाद मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का यूज़ करें, समय से पहले करें, जिससे फीस फंसने के चांसेस ना रहे। समस्या लग रही तो कमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, झट से पेमेंट करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए कंप्लीटेड हो चुका है, कंप्लीटेड कंप्लीटेड डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज बटन, यहाँ ना एडिट का है ना पे एग्जामिनेशन फीस का बटन है, दोनों बटन हट चुके, केवल डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज और तीनों स्टेप कंप्लीट। ये 100% नहीं, 101% आपका फाइनल प्रिंट डन है, फॉर्म सक्सेसफुल है। प्रिंट आउट निकालने के लिए जैसे ही डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका प्रिंट आउट जनरेट हो जाता है, विद पेमेंट की, विद डिटेल्स की जो आपने फिल की है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करके प्रिंट आउट को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने, देखिए क्लिक ये टू सेंड कंफर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी में पूरा प्रिंट आउट पीडीएफ के साथ चला जाता है। क्लिक टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है कंप्यूटर सिस्टम पीसी लैपटॉप मोबाइल पर अपलोड हो जाता है, उससे प्रिंट आउट कर सकते हैं, या फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे सुरक्षित रख सकते हैं। क्लिक टू गो करेंगे तो सीधा होम पेज पर पहुंच जाएंगे, वहाँ पर स्टेटस आप अपना देख सकते हैं, फॉर्म एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे, देखिए रिजेक्टेड का मतलब है एड दी ऐप का एडिट एप्लीकेशन और पे एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन बना हुआ है, तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा आपका आगे चल के, क्योंकि वहाँ एक्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट कैसे होगा, तीनों स्टेप कंप्लीट होने चाहिए और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्टेड माना जाएगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ प्रिंट आउट की बात कर लेते हैं, कुछ डिटेल सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया गया है, बट ये 100% नहीं, 101% फाइनल प्रिंट लाइव प्रूफ आपके सामने है। और यहाँ देख सकते हैं डिटेल्स को पूरा अच्छे से चेक कर लेंगे अपना, कोई भी समस्या लग रही है फाइनल प्रिंट आउट में तो करेक्शन डेट में आप अपना करेक्शन आसानी से कर सकते हैं, बट प्रिंट आउट को अवश्य देखें घर पर बैठकर तसल्ली से, जिससे कि कोई समस्या आपके फ्यूचर के साथ ना हो पाए। तो चलिए पेज के मिडल में पहुँचते हैं और देखते हैं पेज के बॉटम में क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। सारा कुछ जो भी आपने फिल किया है वो सारा कुछ इसमें है, और यहाँ देख सकते हैं हिंदी या संस्कृत है, आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करी है,
बहुत पेपर किया है, डीएलएड है, बीएड है, सारा सब कुछ यहाँ आता है आपका। 105 है यहाँ पर। देखिए जो एलिजिबिलिटी है, पहले कोड में आती थी, केवल एक नंबर लिख के आता था, या दो नंबर जो भी आप एलिजिबिलिटी सेट कर सकते थे। तो यहाँ एक न्यू अपडेट है कि यहाँ पर जो फाइनल प्रिंट आउट में जो भी एलिजिबिलिटी है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ आने लगी है, आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए डिप्लोमा एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर देखिए एड्रेस दिया गया था, सिक्योरिटी हाइड किया गया है। आप चलते पेज के बॉटम में जहाँ पर आपको पेमेंट और जो एजुकेशन की डिटेल्स है वो वहाँ आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो न्यू अपडेट आई है वो ये है कि यहाँ पर जो कोड लिख के आते थे वो वहाँ कोड नहीं, अब कोड का पूरा डिटेल्स जो है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो सी टेट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो डीएलएड और जो बीएड की एलिजिबिलिटी यहाँ पर सी टेट के लिए, वो यहाँ पर पूरा दिया गया है सब कुछ। पहले ऐसा नहीं था, एक न्यू अपडेट आपके लिए। तो फ्रेंड्स पहुँचते पेज के बॉटम में, वहाँ देखते हैं डिटेल्स को। पेज पेमेंट डिटेल्स आज ही का है और आज ही की डेट आपको दिखाई जाएगी वहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं वीडियो लेट बनने का कारण है फ्रेंड्स ओटीपी की प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो कि आज सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ओटीपी की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। कोई सर्वर इशू था इसलिए वहाँ नहीं हो पा रहा था, बट अब फॉर्म बहुत ईजिली तरीके से फिल कर सकते हैं और हो भी रहा है, हमने किया भी है और करके भी आपको दिखाया है प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पर कुछ डिटेल सिक्योरिटी एजेंसी से हाइड किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं सबसे मेन बात जो होती है यहाँ पर, अपना फोटो सिग्नेचर देख लीजिए अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट हमें मैंने हाइड कर रखा है। एप्लीकेशन फीस का एप्लीकेशन नंबर है, रेफरेंस नंबर है, ट्रांजेक्शन डेट है, यहाँ पर पूरा दिया गया अमाउंट है, कस्टमर आई डी भी यहाँ दिया गया, सब कुछ दिया गया। यदि पेमेंट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो आपका फाइनल प्रिंट आउट इस प्रकार से निकलता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का बटन, दूसरा स्टेप होता है आपका प्रिंट आउट, ये सिद्ध करते हैं आपको 101% आपका प्रिंट आउट बिल्कुल क्लियर है, स्टेटस क्लियर है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से वीडियो में तुम देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है, 100% सत्य है। आप देखिए यहाँ पर उसके बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन दिया गया है, यदि आपकी डिग्री है डिप्लोमा है, कुछ गलत फील हो गया तो करेक्शन रेट में करेक्शन कर लीजिए, बट परेशान मत होइए। यहाँ पर देखिए स्टेटस दिया गया है, यदि आप अपेयरिंग है, पास है, जो भी एलिजिबिलिटी आपने रखी है फिल किया वो यहाँ पर आपको सब कुछ शो करेगा। देखिए हम पास है, अपेयरिंग कैंडिडेट है तो अपेयरिंग फिल कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर जो पासिंग भरा हुआ है, उसके बाद यहाँ एलिमेंट्री पब्लिक एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है बीए बीएड डिग्री, और एलिमेंट्री का मतलब है डीएलएड, समझ गए। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, बोर्ड अगर नहीं आ रहा तो आप अदर बोर्ड सेलेक्ट करके बोर्ड को फिल कर सकते हैं। जैसे बोर्ड नहीं शो कर रहा लिस्ट में, नहीं समझ में आ रहा तो अदर सेलेक्ट करिए, उसके बाद जब ऑप्शन वहाँ मिल जाता है भरने के लिए, ब्लैंक के कॉलम जनरेट होता है ऑटोमेटिक, उसको अपना बोर्ड जो भी है सही से लिख दीजिए, जब भी वेरिफिकेशन होगा मैच कर लिया जाएगा, सही पाया जाएगा। तो यहाँ परसेंटेज है सर, नंबर देख सकते हैं आप लोग, 2763 जो भी आपके हैं वहाँ फिल करेंगे, और जो पूर्णांक डीएलएड का वो भरेंगे। यदि आप बीएड हैं तो बीएड का पूर्णांक आपका प्रैक्टिकल नंबर जोड़ के भी आपको लिखना होता है, और फिर आप अपनी टीचर से जानकारी जरूर लें कि सर प्रैक्टिकल नंबर जोड़े जाते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल नंबर बीएड में जोड़कर ही लिखें और पूर्णांक भी जोड़कर लिखें, एक बार अपने टीचर से जरूर कंफर्म करें, जिससे कि फॉर्म गलत ना हो पाए। यहाँ अपना जो भी कॉलेज स्कूल है वो पिन कोड यहाँ डालना होता है, डाक खाने वाला, जैसे कॉलेज मान लीजिए आपका आगरा में, तो आगरा का जो पोस्ट ऑफिस है आपके स्कूल के पास का, वो यहाँ पिन कोड यहाँ डालना होगा और यहाँ परसेंटेज डालनी होगी। नहीं पता तो नेट से सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।